नमस्कार दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को मैं समझा चुका हूं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कंसेप्ट होते हैं वह क्लियर हो सके और आने वाले वीडियो आपको अच्छे समझ में आ सके। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ एग्जांपल लेकर आया हूं, जिसमें समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, डिफरेंस और इक्विलिटी वाले सभी क्वेश्चन। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन लिया है मैंने, इवैल्यूएट 1 प्लस आई की पावर 6 प्लस 1 माइनस आई की पावर 3। मतलब ये दो पार्ट है, यहां पर एक दिख रहा है ए पूरा पार्ट और ए पूरा पार्ट। इन दोनों को हमें क्या करना है, यहां पर प्लस लगा दिख रहा होगा आपको, दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है वह आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है ए प्लस आई बी। क्या होता है ए प्लस आई बी में कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में मिलता है तो हम क्या समझेंगे, वह कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसा कि यहां पर देखेंगे 1 प्लस आई लिखा है और 1 माइनस आई लिखा है, मतलब ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म है। तो यहां पर पहला जो पार्ट होता हुआ है क्या होता है, रियल नंबर होता है, और दूसरा जो पार्ट होता हुआ होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। अब इन दोनों में यहां पर एक आई बना दिख रहा होगा, कौन सा आई बना हुआ है। इस आई की कुछ स्पेशल वैल्यू रहती है, जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उन वैल्यू का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी वैल्यू रहती है उनको आप ध्यान से समझें। जैसे i इज इक्वल टू नॉर्मल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, माइनस रूट के अंदर माइनस 1। अगर इस i को स्क्वायर कर दें तो उसकी वैल्यू बदल जाती है, वह वैल्यू हो जाती है माइनस 1। तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1। इस तरह हम क्या करेंगे, i क्यूब कर देते हैं तो इसकी वैल्यू होती है माइनस i। इस तरह i की पावर 4 कर देंगे हम, इसकी वैल्यू होती है 1। और 1 अपॉन आई अगर आपको ऐसा मिलता है तो इसकी जो वैल्यू होती है माइनस आई। इस तरह 1 अपॉन आई का स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस 1। कहने का मतलब है अगर कहीं ए लिखे दिखते हैं आप तो इनकी जगह, जैसे मान लो कहीं आई स्क्वायर लिखा दिख जाता तो उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस 1 लिख सकते। आई क्यू लिखा दिखता है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई लिख सकते। मतलब जो यहाँ पर i की पूरी टोटल वैल्यू है ये न्यूमेरिकल में कहीं भी दिख जाता है तो उसकी जगह इस तरह की जो वैल्यू है उनको हम पुट कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जैसा हर बार लिखते सॉल्यूशन लिख लेना है। इन दोनों को जोड़ने का तरीका है, सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, फिर इसके बाद दूसरा लेंगे, फिर दोनों की जो वैल्यू आएंगी फिर उनको मैं ऐड कर दूं। पहला मैं यहाँ पर ले रहा हूं, लिखा है 1 प्लस आई और ब्रैकेट की पूरी टोटल पावर है 6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका है कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं उनमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं और एक छोटा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस आई, इसकी पावर हमने 2 चढ़ा दी और ये ऐसा ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पर क्या हो गया 3। अब मैंने इसको 1 प्लस आई की पावर 2 में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्म में इसको हमने चेंज कर लिया, इसका जो फॉर्मूला होता हुआ होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करेंगे तो एक क्वेश्चन कैसी बन जाएगी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा एक की जगह, तो 1 का स्क्वायर करते प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 1 × i, और पूरे का टोटल पावर कितना है 3। अब इसको हमें सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, i का स्क्वायर दिख रहा है सॉरी 1 का स्क्वायर दिख रहा है तो 1 ही हो जाएगा प्लस i का स्क्वायर i स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 1 × i क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा और पूरी पावर 3 है। अब इसकी वैल्यू हम कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहां पर 1 ही लिख देंगे और i स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहां पर देखेंगे i स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस 1, तो i स्क्वायर की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं माइनस 1। जो यहां पर लिखा है उसको मैंने लिख दिया i स्क्वायर इक्वल टू क्या माइनस 1। अब प्लस से आगे
और क्या है, टू आई है पूरे का क्यूब है। अब देख रहे हैं यहाँ पर वन से वन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो जो यहाँ पर वैल्यू बच रही वह कितनी बच रही, टू आई, टोटल पावर कितनी बच रही, थ्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू, मतलब टू का क्यू हो जाएगा, और हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू आई क्यू, ये क्या हो गया, आई क्यू। अब यहां पर देख रहा है इनका दो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दो का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो है हो रहा है एट। और आई क्यू इक्वल टू क्या होता है, देखो यहां पर आई क्यू इक्वल टू क्या है, माइनस आई, तो हम यहां पर आई क्यू की जगह क्या रख देंगे, माइनस आई। अब इस तरह हमने यहां पर क्या देखा, वन प्लस आई की पावर पूरी टोटल सिक्स है, इसके इक्वल हमने क्या वैल्यू निकाल ली, देखो एट है इसमें माइनस है, तो माइनस को आप अच्छे से पहले रख लें, फिर एट रख लें, फिर आई रख लें, तो इस तरह मैंने इसकी जो वैल्यू है वह कितनी निकाली, माइनस एट आई। इसी तरह हम दूसरी की भी वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे एंड वन माइनस आई की पावर क्यू, क्या लिखा, वन माइनस आई की पावर क्यू। तो यहां पर आप इसको रखने के बाद हमें क्या करेंगे, इसमें भी हमें फॉर्मूला दिख रहा है, वन माइनस आई का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए माइनस वी का होल क्यू, इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर वी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, इस तरह का कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसी फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करेंगे तो ए जो क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं ए क्यू मतलब वन का क्यू, बी क्यू माइनस आई का क्यू, फिर माइनस है थ्री ए स्क्वायर मतलब इंटू वन का स्क्वायर इंटू आई बी, फिर प्लस है थ्री ए इंटू क्या हो जाएगा हमारा ए जैसा का तैसा है इंटू बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने पूरा अप्लाई कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना आप लोगों को आना चाहिए, जैसे वन का क्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, आई का क्यू आई का क्यू रहेगा, माइनस यहां पर वन स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर ही वन ही रहेगा, थ्री में वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, थ्री आई प्लस यहां पर देखेंगे क्या है, थ्री वन का मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर में तो आई स्क्वायर ही रहेगा, तो ए इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हम और अगर सिंप्लीफाई करें तो वन की जगह तो वन ही रख दें, माइनस आई क्यू है तो यहां पर आई क्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई होता है, तो ये माइनस की जगह माइनस रख के फिर आई क्यू की जगह हम फिर से हम क्या रख देंगे, माइनस आई रख देंगे, फिर यहां पर ऑलरेडी माइनस है और थ्री आई है जिसका जैसे तैसे रहने, प्लस यहां पर क्या है थ्री आई स्क्वायर है, थ्री आई स्क्वायर है तो हम थ्री की जगह थ्री लगा दें, आई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, माइनस वन रख देंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा तो माइनस वन रख दिया मैंने, फिर क्या है यहां पर कुछ नहीं है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, तो वो वन की जगह वन रख दें, वो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस आई हो जाएगा, फिर आगे क्या है यहां पर दिख रहा है ये क्या है, माइनस है तो माइनस रख दें, और थ्री आई है तो उसकी जगह थ्री आई रख दें, फिर यहां पर प्लस है ये माइनस है तो माइनस का प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर माइनस थ्री रख दें। अब इसका जोड़ना घटाना होगा तो कैसे होगा, यहां पर रखते हैं आप वन माइनस आई का क्यू इक्वल जो वैल्यू निकल रही है, देखो तो यहां पर प्लस का वन है, यहां माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री को प्लस वन अगर घटा देंगे तो माइनस टू बचेगा, इस तरह यहां पर देख रहा है ये क्या है, प्लस आई है ये माइनस थ्री आई है, तो माइनस थ्री आई में से एक आई चला जाएगा तो ये माइनस वाला साइन ज्यादा है तो माइनस बचेगा, यहां पर क्या बचेगा टू आई। अब इसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू का कॉमन लेके, लेकिन इसको भी हम यूज करेंगे तो भी है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूट जो इक्वेशन कर रहा है इसलिए यहां पर लिखें या देयरफॉर लिख दें आप, क्या लिखेंगे, वन प्लस आई की पावर वन प्लस आई और टोटल पावर सिक्स है, प्लस वन माइनस आई और पूरी होल क्यूब है इसका इक्वल, पहली वैल्यू कितनी निकाली मैंने इसकी, तो ये क्या है माइनस एट आई, फिर प्लस का जगह प्लस है, दूसरी वैल्यू हमें कितनी यहां पर ब्रैकेट में लिखे इसको माइनस टू माइनस टू आई। अब इसको जो मैं जोड़ रहा हूं तो आप कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर लें, एट आई, इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, टू हो जाएगा माइनस टू आई। अब बस हमें घटाना आना चाहिए, यहां पर क्या है माइनस टू आई है, यहां पर क्या है टू आई है, दोनों एक दूसरे में क्या है जुड़ जाएंगे, और ये क्या है यहां पर माइनस टू है, तो माइनस टू की जगह टू रख दें,
ये दोनों का भी साइन कैसा आएगा, माइनस आएगा, और कितना हो जाएगा, टेन आई। तो आंसर आया माइनस टू माइनस टेन आई, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही और भी कुछ न्यूमेरिकल लिए हैं, उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ जेड वन इजकल टू थ्री ए माइनस फोर आई बी एंड जेड टू इजकल टू सिक्स प्लस ट्वेंटी आई इज सेम। इज सेम का मतलब होता है इक्वलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें ऐसा बोला गया कंडीशन है जेड वन इजकल टू जेड टू है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से समझें। सबसे पहले जैसा हर बार लिखते हैं यहां पर क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। जो भी डाटा गिवन है उसको आप नोट कर सकते हो, नहीं नोट कर सकते तो भी आपको चलेगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो कंडीशन दी है कंडीशन सेम वाली, इसको यहां पर लिख लेना कि z1 इजकल टू क्या दिया हुआ है, z2, जिसका मतलब यहां पर z1 की वैल्यू रखेंगे, यहां पर z2 की रखेंगे। तो z1 इजकल टू क्या दिया हुआ है, यहां पर देखेंगे हम 3a माइनस 4ib इक्वल z2 की वैल्यू रखेंगे क्या रख दिया, 6 प्लस 20i, 6 प्लस 20i। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताए थे कि जो भी हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है a प्लस आई बी, इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला होता कौन सा रियल नंबर मतलब वास्तविक नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर जिसे बोलते हैं काल्पनिक नंबर। तो ऐसे में जब दो हम ऐसे इक्वलिटी वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमारे रियल नंबर है उनको एक दूसरे से कंपेयर कराते हैं और जो हमारे इमेजिनरी नंबर है उनको एक दूसरे से कंपेयर कराते हैं। जैसे कि यहां पर देखेंगे अगर हम कंपेयर कराते हैं रियल नंबर से, तो 3a क्या है रियल नंबर, यहां पर 6 क्या है रियल नंबर है, ऐसे 4ib क्या है इमेजिनरी नंबर है, ऐसे यहां पर 20i क्या है इमेजिनरी नंबर, मतलब जिसके साथ i होता है वह इमेजिनरी नंबर होता है और जिसके साथ i नहीं होता है वह कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर होता है। तो यहां पर हम क्या कर लिखेंगे, कंपेयर बिटवीन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो हम रियल नंबर का देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, 3a इक्वल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, 3a इक्वल 6 होगा। अगर हम यहां पर एंड इमेजिनरी नंबर को यहां पर कंपेयर करा रहे तो क्या है, माइनस 4ib इक्वल क्या हो जाएगा, 20 आई। ऐसे एक दूसरे को यहां पर कंपेयर करा के लिख सकते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं अगर ए की वैल्यू हमें निकालना है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इधर रहेगा और 3 बटे में आ जाएगा। इस तरह हम इधर को अगर करेंगे तो यहां पर क्या, दो आई से आई कैंसिल हो जाएगा और बी की हमें वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, माइनस नीचे चला जाएगा यहां पर, और ये 20 है, 20 जगह 20 रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा, ये 4 दिया है, मतलब हमने आई से आई को कैंसिल कर दिया डायरेक्ट, और बी की वैल्यू निकालना तो बी इक्वल किया 20 रख दिया, माइनस ऑलरेडी है तो उसमें माइनस आ जाएगा। यहां पर इसको कट करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहां से इसको कट करेंगे तो कितने आएगा, 5 आ जाएगा। तो यहां पर ए की जो वैल्यू आएगी वह 2 आएगी एंड जो बी की वैल्यू आएगी यहां पर माइनस 5 आएगी। और हमें यही करना था, ए और बी की वैल्यू निकालना था, तो यह हमारा ए और बी का आंसर होगा। आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, पहले रियल नंबर की फिर इमेजिनरी नंबर की। यहां पर मैंने दोनों एक साथ निकाल दिए हैं जिससे आपको और अच्छी समझ में आ सके। अब एक और लास्ट क्वेश्चन लिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को भी समझेंगे आज हम। क्वेश्चन दिया है इफ जेड इजकल टू 2 प्लस 3i देन प्रूव दैट जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इजकल टू 0। मतलब क्वेश्चन में कंडीशन दी है, इसके थ्रू हमें इसको लाना है, मतलब प्रूव करना है। इसको भी बड़े आसानी से हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेना है और जो कंडीशन दी है उसको यहां पर लिख कर रख लेना, 2 प्लस 3i। अब इसी को हमें सॉल्व करना है अपने तरीके से और इसको लाना है। तो इसको अपने तरीके से सॉल्व करने का तरीका है कि हम जो 3i वैल्यू अलग ले जाए और जेड के साथ वाली वैल्यू अलग ले जाए। यहां पर क्या हो गया, जेड माइनस 2 है, ठीक है, डबल जेड ना समझे, जेड माइनस 2 है। इसको मैं और बड़ा कर देता हूं जिससे आपको और कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो जेड माइनस 2 इक्वल 3i इधर हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हम स्क्वायर ले लें बहुत सारे, तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग आ स्क्वायर बोथ द साइड्स,
साइड्स, जिसका मतलब यहां पर क्या है, जेड माइनस टू इसका क्या होगा होल स्क्वायर, मतलब हमने स्क्वायर ले लिया, इधर क्या है थ्री आई का स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रूव करना है इसको लाना है। अब यहां पर देख रहा है ए माइनस बी, ए हमने पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल क्यू का होल स्क्वायर का आपने क्या पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसी को हम यहां पर अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जेड की जगह क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर फिर प्लस है फिर टू का स्क्वायर फिर माइनस टू ए ए बी की जगह, मतलब हो जाएगा टू ऑलरेडी फॉर्मूले में है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले, फिर ए बी मतलब ए और बी को लिखना है, मतलब यहां पर फिर हम जेड लिखेंगे फिर माइनस टू लिखेंगे, फिर इक्वल में इधर का जो फॉर्मूला इसका क्यू अप्लाई करेंगे तो तीन का जो सॉरी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड यहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस ये टू टू फोर हो जाएगा तो यहां पर कितना लिखेंगे हम फोर जेड इक्वल नाइन इंटू हम जानते हैं आई स्क्वायर ऊपर बता चुका हूं वैल्यू क्या होता है आई स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस वन, तो हम क्या करेंगे आई स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे माइनस वन रख देंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस फोर जेड और ये क्या हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस नाइन हो जाएगा, माइनस नाइन को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर प्लस नाइन हो जाएगा इक्वल जीरो हो जाएगा। क्या समझ में आया, यहां पर हमने 9 का अगर माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी माइनस नाइन आएगी इक्वल के इस तरफ है, इक्वल के इस तरफ है माइनस नाइन, अब हमें इक्वेशन बनाना है तो इसको हम कहां लाएंगे इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वही मैंने प्लस करके रख दिया। अब यहां पर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे जैसा मैंने करना चाहिए था पहले, जेड स्क्वायर ये प्लस वाला कितना है टू है, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा और माइनस कितना है फोर जेड है प्लस नाइन इजकल टू जीरो। अब सिर्फ हमें सॉल्व करना है, हमें लाना कितना है जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर रख दें और कितना है माइनस फोर जेड तो पहले माइनस फोर जेड लिख लें यहां पर, फिर क्या है प्लस थर्टीन है तो फोर और नाइन कितना हो जाएगा थर्टीन हो जाएगा तो प्लस थर्टीन इक्वल जीरो, तो यही हमें प्रूव करना था जो आप देख सकते हैं यहां पर इक्वेशन बना। तो उम्मीद है तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी आज मैंने समझाए समझ में आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।